शमशान घाट की लेंटर गिरने के बाद लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब लोगों ने शवों को रोड पर रखकर जाम लगाया है और इस जाम का साइड इफेक्ट सीधे तौर पर मेरठ तक देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोदी नगर में, आप मेरे पीछे देखें, कैमरे से कहूँगा दिखाएं, यहाँ काफ़ी लंबा जाम है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और एहतियातन जो व्यवस्था को सुधारने के लिए जिससे जो रोड है इसको ब्लॉक किया गया है, जो मेरठ से आने वाले वाहन हैं उनको हापुड़ की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे दिल्ली रोड पर सामने ट्रक खड़ा कर दिया गया है, लेकिन जो लोग घरों से निकल चुके हैं, जो दिल्ली जाना चाहते हैं, गाजियाबाद जाना चाहते हैं, नोएडा जाना चाहते हैं, उनको भारी परेशानी हो रही है क्योंकि रोड आगे ब्लॉक है। ऐसे में आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं लोगों को हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार वर्मा। आप कहाँ से आ रहे हैं? अब मेरठ से आ रहे, 1.5 घंटा हो गया हमको यहाँ पे। आपको जानकारी थी आगे रोड ब्लॉक कर रखा है? नहीं था, जानकारी नहीं थी कुछ। अच्छा, आप कहाँ को निकल के जाएंगे? अभी तो फिलखवा को निकल के जाएंगे। ठीक है, पीछे हॉर्न बज रहा है, ये लोग फिलखवा को निकल कर जाएंगे और जो शॉर्टकट तरीका वो अपना रहे हैं। मेरे साथ तमाम लोग देखेंगे यहाँ, जो राहगीर हैं वो परेशान हैं और किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाहते हैं। जो बसेज हैं वो इन्हें छोड़कर जो है जाम में फंसी हुई है, लोग चाहते हैं किसी प्रकार अपने जो टारगेट्स हैं, जो गंतव्य वहाँ तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? मैं राज। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जाना, वापसी में अभी। तो यहाँ कैसे फंसे? वो जाम में फंस गया, यहाँ पे सुबह आए थे जी, जा रहा हूँ वापसी तो फंस गया यहाँ पे। तो कहाँ से आए थे? बस से आए थे सुबह। तो बस कहाँ है? बस वगैरह निकल गया, छोड़ चले गए जी। तो यही हालात है। आपका क्या नाम है? नीलाक्ष गुप्ता नाम है भाई साहब। कहाँ से आए आप? नीलाक्ष। नीलाक्ष तिलक से। कहाँ जाना चाहते हैं भैया? गाजियाबाद जाना था मुझे। यहाँ कब से फंसे हुए हैं भैया? करीबन 2 घंटे कम से कम हो लिए। ऐसे आए थे? गाड़ी है मेरी पीछे जाम में लग रही, मैं तो देखने आया था कि क्या लग रहा है, ये ट्रक खड़े कर रखे यहाँ पे ट्रक। अब आपने आगे देखा ब्लॉक कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है रोड, जानबूझ के रोड कर रखा। मालूम है कि ब्लॉक है? ये कुछ नहीं मालूम है जी, मैं बताता हूँ। रोड इसलिए ब्लॉक है, आगे मुराद नगर के अंदर एक लेंटर गिर गया था जिसमें कई लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए, उनकी शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया है। प्रशासन ने इसलिए इसको यहाँ ब्लॉक किया जिससे कि ट्रैफिक इधर को निकल जाए, क्योंकि अगर आओ कोई आगे चला गया तो सीधे तौर पर फंस जाएगा, इसी वजह से यहाँ ब्लॉक किया गया। आप तस्वीरों में एक बार फिर कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, जहाँ तक देख सकते हैं आप देखेंगे यार रोड जाम है। हमने भी काफ़ी मशक्कत की यहाँ तक पहुँचने के लिए और रॉन्ग साइड से जो ट्रैफिक पुलिस थी उनकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन तस्वीरों को आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर कोई देहरादून या दिल्ली या नोएडा से नोएडा की तरफ जा रहा है, मेरठ वासी या मेरठ के आसपास के मुजफ्फरनगर के या फिर सहारनपुर के लोग जाना चाहते हैं, वो आज ना आए क्योंकि मेरठ और दिल्ली जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे मोदी नगर से ब्लॉकेज शुरू किया गया है और मुरादनगर तक के यही हालात हैं, चूँकि वहाँ लोग हंगामा कर रहे हैं। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने सहयोगी बाबर के साथ मैं मनोवर चौहान, मोदी नगर।